और इसके साथ टेक्निकली आप क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने के बाद इसके साथ क्या हुआ बच्चे बताओ क्यों रो रहे हो बताओ बताओ क्यों क्या दिक्कत हो बताओ बोलो अपना बताओ बताओ अरे पता नहीं आगे सिस्टम को खुद नहीं पता कैसे कंप्यूटर पे टेस्ट देता है तो हम लोग क्या बताएंगे अच्छा हम लोग कुछ बताया ही नहीं यहाँ पे कोई इनको सूचना नहीं दिए मतलब अंदर के लोगों को खुद नहीं पता था कैसे चलेगा खुद नहीं पता था उनको तो ये है एनटीए का अपना परीक्षा केंद्र यहाँ मान लीजिए उतना दूर से बिहार के बॉर्डर बनकटा से आई है यहाँ पे पेपर दे रहे हैं 120 किलोमीटर पड़ रहा है उसके बाद इसके साथ ऐसा अन्याय हो सीट उसके बाद कम है यहाँ पे मान लीजिए इसके साथ न हो या साल भर देखते तुमने वहाँ के टीचरों से पूछा कुछ जो वहाँ के कर्मचारी थे उनसे कुछ कहा तुमने कुछ नहीं हमको डांटने लगे बोलते आर्गू करोगी ये वो करोगी यहाँ एग्जाम देने आई हो हमको डांटने लगे अच्छा डांटने लगे लगा कि मेरा सिस्टम तो कुछ चालू नहीं हो रहा था उन लोगों से हाँ उसके बाद से फिर बहुत देर के बाद मतलब एग्जाम शुरू हो गया उसके बाद हम लोग का सिस्टम फिर चालू दोस्तों ये देख सकते हैं आप गोरखपुर का जगह है ये और मैं अभी ये NH-29 मैं सोनौली रोड पे हूँ और यहाँ पर एक एग्जाम सेंटर बनाया गया था श्री सिद्धि विनायक ऑनलाइन सेंटर जहाँ पर इतनी ज्यादा दिक्कतें आई हैं कि कुछ बच्चे बता रहे हैं उनका सिस्टम चल भी नहीं रहा था और जो अंदर कर्मचारी बैठे हुए थे उनको खुद नहीं पता था कि ये सिस्टम चलेगा कैसे तो ऐसे ऐसे जगह सेंटर देने का क्या मतलब है जहाँ पर खुद के कर्मचारियों को ये ना पता हो कि मेरा सिस्टम ठीक कैसे होगा बच्चे काफी परेशान है पेपर सबमिट करने के बाद मेजर सिस्टम ये है यहाँ पे मेजर सिस्टम ये है कि पेपर पूरा करने के बाद सारे क्वेश्चंस कर लेने के बाद जब पेपर सबमिट करने की बारी आई तो पेपर सबमिट ना होने के बाद क्वेश्चन जितना भी मैंने लोगों ने मेरे साथियों ने जितना भी किया था वो डन होने के बजाय वो सबमिट हुआ लेकिन वो क्वेश्चन सब शून्य हो गया जीरो हो गया तो ये समस्या आप देख सकते हैं जो अंदर परीक्षार्थी हैं उन्हीं की बातें कोई बात नहीं सेंटर ना दिया जाए ये सेंटर तो दे ना दे लेकिन अभी जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई है उनके साथ कोई क्या करेगा आगे किसी का खराब बीएचयू बीएचयू तो अपना माथा दूसरे के सर पे अपना अपनी परेशानी तो दूसरे के सर पे फोड़ चुका है एनटीए के जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवा रही है और ऐसी ऐसी जगह पर भेज रही है जहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें इसका सामना करना पड़ा है देखिए बच्चे ये कितने परेशान है बेचारे और जैसे जैसे आए हैं कहाँ कहाँ से दौड़ के और इनके सामने जो सिस्टम आया है उन सिस्टम को लेकर के परेशानियाँ कितनी मिल रही हैं इनके कोई कर्मचारी ही नहीं है जिनसे बातें किया जा सके तो बताइए गाड़ी की 4,000 रुपए लगा के आए यहाँ पे बताइए पेपर गिरा निकले ऐसे हो जाए कैसे पेपर देगा बताइए ये कितनी बड़ी समस्या है और पता नहीं आगे जो पता दिया गया है तो पता ऐसा दिया गया है आधा घंटा लगा इसको यहाँ पे आने के बाद ढूंढने पर बताइए बीएचयू का नाम बदनाम हो रहा है ये किसी को ध्यान में नहीं आ रहा है बीएचयू का जो जी हाँ जी हाँ तो ये हाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं दो ऑप्शन होता है एक ऑप्शन होता है क्वेश्चन भी किया एक का बीएचयू ने एनटीए का धोखा दिया उसके बाद सिस्टम नहीं काम कर रहा है एनटीए इतना कल 4 बजे अढ़ाई बजे उसमें भी सुनिए कल यहाँ का देखिए कल मालूम चला सेंटर है यहाँ पे प्रवेश पत्र मालूम चला सेंटर का नाम गलत है एक नंबर क्वेश्चन जब हम बच्चे को लेके आए वहाँ का सेंटर का नाम गलत दिया है तो ये सब कार्ड को लेकर सबसे बड़ा मेजर इशू था कि एडमिट कार्ड हम लोग का था कि आएगा 48 घंटे पहले हाँ। वो आ रहा है एक दिन पहले पिछले दिन आया वो भी शाम को 2 बजे और कुछ लोगों का एडमिट कार्ड आया रात के 10 o'clock के बाद एडमिट कार्ड आया वो भी मेल पे आया इतने बच्चों का एग्जाम तो ऐसे छूट गया क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि मेरा एग्जाम कल होने वाला है ये सारी बदनामी जी हाँ ये सारी बदनामी बीएचयू को झेलनी पड़ रही है और गलती एनटीए की है लेकिन इसमें जो छात्र पीस रहे हैं उनकी क्या गलती है ये आप देख सकते हैं कितने परेशान यहाँ पे छात्र हैं सबके सब रो रहे हैं कुछ परेशान हैं दूर दराज से आए हैं गाड़ी रिजर्व करके आए हैं इतने दूर दूर से कैसे पहुंचे हैं उसके बाद भी यहाँ का सिस्टम खराब क्या कह रहे हैं क्या करो मास्क पीछे करो क्या करो क्या करो क्या दिक्कत हुआ तुम्हारे साथ बाबू क्या सर क्या दिक्कत हुआ बताइए आपके साथ अरे हम लोग को पेपर देने में बहुत दिक्कत हुआ हाँ जैसे क्वेश्चन को नेक्स्ट कर रहे थे तो एक नंबर क्वेश्चन के बाद सीधे 5 नंबर क्वेश्चन आ जा रहा है अच्छा एनटीए को देकर एग्जाम सॉल्व कर बहुत धोखा किया है और यहाँ पर सिस्टम भी बढ़िया काम नहीं कर रहा है।